लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चीलों के बारे में ये बात लोग बहुत कम जानते हैं कि उनमें सब्र बहुत होता है। शिकार पर नजर पड़ने के बाद चील एक घंटा नहीं, एक दिन नहीं, एक एक हफ्ता, एक एक महीना दूर आसमान में उड़ती रहती है, जब तक कि सही जगह और सही वक्त ना आ जाए। और जब वक्त आ गया तो पलक झपकने से पहले शिकार झपटा गया, चाहे वो पूरा शहरी क्यों ना हो। उन दिनों मलिक का एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, मगर सिर्फ दिखावा, असल में वो असलम अली गैंग का खास था। अली से उसकी नजदीकी गैंग के पुरानों को खटकती थी। नजदीकी की वजह ये थी कि मलिक ने अपनी होशियारी से गैंग के धंधे को फैलाया, इतना कि बहुत से नए लोगों की भर्ती की जरूरत पड़ी। और इसी दौरान मलिक की पहली मुलाकात हुई चंदू से। काम करेगा मेरे लिए? उसी के लिए तो आया हूं। कितना मांगता है? आप बुलाया ना, आप बोलो। 10 तेरे को और 5 तेरे साथियों को। उतना तो हम लोग वैसे बना लेते हैं, फिर आपके साथ काम करने का फायदा क्या? असलम भाई की गैंग में आने का मतलब जानता है? सड़क छाप काम नहीं होता है, बड़ा गेम होता है। और कभी भी किसी का भी गेम बच सकता है। मौत से डरता है? मैं किसी से नहीं डरता। चल अपना 20 कर ले, इनका 10, बात खत्म। बाकी पंडित जी समझा देंगे। जोसेफ, गाड़ी निकाल। काम का है? अरे मलिक भाई, आपसे पलट के बात कर रहा था, वो बहुत अकड़ है साले ने। अबे अकड़ इसलिए क्योंकि वो जानता है कि वो काम का है। चंदू भाई, मेरे को लगा कि तेरा भेजा हट गया। उस मलिक भाई के सामने ऐसा पलट के बोला कि अपन को लगा कि अपन सब गए वहीं के वहीं काम। हाँ योगा, साला घर में। हाँ वो मलिक फिर भी ठीक है, पर वो जो साला उंगली क्या मुझे चुम्मे के औलाद साला। यादव नाम है उसका। अबे यादव हो या फर्नांडिस, साला मेरे इस पे साला मन कर रहा था वहीं के वहीं साला नीचे से चाकू घोंप कर रहा था या लपेट लपेट कर बाहर निकाल दूं साले की। ए होश में रह, अभी काम चालू हुआ नहीं, इसकी हीरोगिरी चालू होगी। दिखाऊं क्या हीरोगिरी साला तेरे को? मैं दिखाऊं? पटना, एक बात ध्यान से समझ लो, मस्करी के दिन का है अभी। बड़े गेम में घुसना है तो बच्चों की तरह फुदकना बंद करो, वरना उड़ने से पहले उड़ा दिए जाओगे। यार चंदू, क्या जरूरत है अपन को किसी और के नीचे काम करने का? देख कौड़ा, कोई किसी के नीचे काम नहीं कर रहा है, उनको हमारी जरूरत है और हम कौन है? अपने को बड़ा काम करना है और इस शहर में बड़ा काम सिर्फ उनके पास में। और हाँ, काम उनका है मगर दाम अपना। और वो कौन है, कैसे हैं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। जब तक अपन एक साथ हैं, वक्त आने पर किसी को भी देख लेंगे। क्यों रे पप्पू, तू काहे को थोपड़े पे ताला लगा के बैठा है? अपने को क्या बोलने का है, तू जो बोलता है वो करने का है बस। क्यों आरसी? हाँ। पर साला मैं उस चूमे के औलाद को छोड़ेगा नहीं। फिर वही का वही। अरे कोई इसके माथे पे लिखो मेंटल वासी दगड़ी का पागल। क्या बोला तू साला? क्या बोला? मेंटल मेंटल बोलता है साला। चुप होता है तू, हट इसमें से। साला मैं बताता हूं, चल ताली बोलता है। तू भी बैठ। क्या है, हां क्या देख रहा तू? चल बैठ बैठ।
फोन निकाल के बैठी होगी, सर खाएगी मेरा। चल घर निकल तू अभी। अच्छा। चल सीधा घर जा। हाँ हाँ। होटल समझ रखा है, जब मर्जी आ जाएगा। बोल ना माँ। कहाँ था इतनी देर? 12 से पहले आया ना, अभी जास्ती मत बोल। फालतू में एहसान क्या है मुझ पर, आना भी खाएगा तो देर रात को। तो तेरे को कौन बोल रहा है, तू सो जाना जाके, मेरे को भूख नहीं है। बकवास नहीं कर, का खाना दिन में, दिन का खाना। ए, तेरे को मैं मिलता हूँ क्या सुबह से? घर पे आ रही चपट 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 चपट। अरे तेरे सिवा मेरा है कौन, बता बता क्या कर रही है, छोड़ ना, पागल है क्या? कच्चू कड़ी चावल बनाया है। ए माँ। हाँ। नौकरी मिली अच्छी? किधर? एक एक मलिक भाई करके। काम क्या है उनका? बिजनेस है उनका। किस चीज का? बहुत चीजों का। अपना धंधा वैसा नहीं है जैसा लोग समझते हैं। अभी वो नारायणी चौक के पीछे 40 माले का टावर बन रहा है ना, उसका मालिक आया था अपने पास। ए राजू कैसा रे? तो वो बोला कि बिल्डिंग बिकाने में मदद करो। उसके 8-10 खरीदारों से बात की और उसको सही दाम दिला दिया, बस बात खत्म। लोग कुछ भी बोलते रहे, अपने वहाँ रोज रोज लफड़ा नहीं होता है। अभी कभी कभी क्या होता है कि कोई धंधे में बेईमानी करता है या फिर उसूल के बगैर काम करता है, तो संभालना पड़ता है, वो भी 2-3 महीने में कभी एक बार। वैसे असलम भाई का बहुत नाम है धंधे में, तो कोई बीच में आता ही नहीं है। और माँ, सीधे रास्ते से कभी कोई ऊपर नहीं कर सकता है। चमका डाला। ये अपनी छावी है, इसको एकदम टराटर दिखना मांगता है। अरे ये तो एकदम हीरोइन के गाल के माफिक लगती है। हाँ सेठ, आजकल मेरे को बहुत टाल रहा है तू। आ एक होके के लिए तेरे को जिंदगी भर फोन करता रहूं क्या? आओ मलिक भाई किधर है? हाँ मलिक भाई किधर है? ए माँ, ऐसा थोड़ी होता है, डेंजर का क्या है? आदमी तो सड़क पार करते करते लुढ़क सकता है कि नहीं? ये तो उम्मीद से भी डबल निकला। कौन? चंदू। क्या किया मालूम? अली भाई, आप जानते हैं चंदू ने चोपड़ा के साथ क्या किया? भाई बोला इसमें मलिक भाई से क्या बात करें, जो पैसा बनता है वो निकालो सीधा। थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ा, आग गया साले का, पर पैसा आगे से टाइम पे आएगा। ठीक है, अब बैठना पड़ेगा उसके साथ, एक दो ड्रिंक लेके प्यार मोहब्बत की बातें करके वापस लाइन पे लाना पड़ेगा। क्यों? खास आदमियों के साथ हमेशा रिश्ता बनाए रखना चाहिए। जब हम जानते हैं कि खास आदमी है तो बात यहाँ तक क्यों पहुंची? इसलिए कि खास आदमियों को यह भी याद दिलाना चाहिए कि वो कभी भी आम हो सकते हैं। तुम तो खामखा किसी को भी भाव देते रहते हो। चंदू की बात कर रहे हो? नहीं, किसी को भी। ये चंदू काम का है? 47 है, AK। सब साले घर बैठ के VCD पे देखते हैं। अरे अच्छी पिक्चर बनेगी तो काहे को नहीं आएगा, उसमें फाइट डांस मावा सब डालने का। बस इस बार इससे बनवा लो। ये चिपना ढक्कन। सलाम। तू चंदू है? मुबारक भाई, आपका माल तैयार है। लेकिन ये तो 4 पेटी है। 6 बोले थे ना? मलिक भाई ने सिर्फ 4 देने के लिए बोला है। ये मलिक भी, तू 2 डिब्बे निकाल, मलिक से मैं बात करूंगा। पहले आप मलिक भाई से पूछ लो। मैंने कहा ना, आपके कहने से कुछ नहीं होएगा इधर, जो मलिक भाई बोलेंगे वही होएगा। ए, क्या है भाई बोल रहा है ना? है?
डाल दे। भाई ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मुबारक भाई, कुछ नहीं हुआ। वो क्या है कि गिनती में दो डिब्बे ऊपर नीचे हो, तुम अभी मेरी दुकान पे चार ले जाओ, कल दोपहर तक मैं दो देता हूँ, ठीक है? भाई, भाई आ जाओ। ए, इधर ही चुप रहो, मैं संभालता हूँ। क्या क्या चल रहा था उधर? किधर? कौन थे वो लोग? तेरू क्या? ए, बीड़ी निकाल, बीड़ी निकाल के बात कर। तो बात क्यों कर रहा था उनसे? बात कौन कर रहा था? मैं तो माचिस ले रहा था। माचिस? इतने हड़बड़ी में कहाँ गए वो लोग? मेरे को क्या मालूम, जल्दी होएगी, जाके पूछ लो उनसे। अच्छा, इतने रात में इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? पिक्चर देखने आया था। पिक्चर? क्यों, पिक्चर देखना मना है क्या? इसे अंदर लो, तेरे को मैं पिक्चर दिखाता हूँ। अंदर लो। ए चल बस, चल चल आपने बस। ए चल चल बस। माँ पूछ रही थी हम शादी कब करेंगे। तुम करना चाहती हो? तुम क्या चाहते हो? शादी क्या होती है सरोजा, जब दो लोग एक साथ रहने के लिए दुनिया की मंजूरी मांगते हैं, और मैंने कभी भी किसी भी चीज के लिए किसी की मंजूरी नहीं मांगी। फिर भी अगर तुम्हारी माँ को फर्क पड़ता है तो आग लगा कर चक्कर काट लेते हैं। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे अंदर एक राक्षस छुपा है। हर इंसान के अंदर एक राक्षस होता है, बस कुछ लोग उसे बाहर निकालने से डरते हैं। पिक्चर देखने का शौक है तुझे, पिछले दो साल से अपडाउन कर रही है वो गधी है क्या? आ, मलिक, ये ले चल फुट। क्यों साहब, आज हमारी याद कैसे आ गई? कल रात का लफड़ा तो सुना ही होगा, अपना एक लड़का पकड़ा गया है। हाँ सईद बता रहा था, बड़ा तीखा है, सर ने तो साले को पुलिस वाले खुद ही सीधा कर देंगे फ्री में। अपना लड़का है, अपना काम करते हुए पकड़ा गया, हम नहीं निकालेंगे तो बाकी लड़के क्या सोचेंगे? तू क्या चाहता है? मैंने पता किया, वो इंस्पेक्टर राठौड़ बहुत खाता है, तुम्हारे ठाकुर का खास है। ठाकुर साहब है? हाँ ठाकुर।